हेलो स्टूडेंट्स आई संदीप पवार वेलकम्स यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्वास्थ्य एकेडमी फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट थ्योरी ऑफ कॉजेशन विच वाज गिवन बाय एरिस्टोटल अब हम लोग ये देखेंगे कि एथिक्स का जो पेपर फोर्थ होता है उसमें एरिस्टोटल या जितनी भी प्रोमिनेंट थ्योरीज है उनकी एक लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द फर्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ कॉजेशन तो आइए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉट इज थ्योरी ऑफ कॉजेशन देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ फैक्चुअल चीजें होती है किसी भी थ्योरी के संबंध में उन चीजों को कंप्लीट करते हैं देन द थ्योरी ऑफ कॉजेशन वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल हु वॉज अ डिसाइपल ऑफ प्लेटो एंड टीचर ऑफ एलेक्सेंडर दैट मीन्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन या कारणता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिस्टोटल ने एंड एरिस्टोटल वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट फिलोसफर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी फ्रेंड्स इफ यू नो वेस्टर्न फिलोसफी का जो स्टार्ट होता है वो होता है ग्रीस से एंड वहीं से एक वेस्टर्न थॉट डेवलप होता है सबसे पहले यदि हम लोग किसी प्रोमिनेंट फिलोसफर की बात करें तो सबसे पहले सोक्रेटीज से वेस्टर्न फिलोसफी का स्टार्टिंग माना जाता है देन सोक्रेटीज के बाद में जो उनके शिष्य होते हैं प्लेटो देन प्लेटो के शिष्य और डिसाइपल ऑफ प्लेटो इज एरिस्टोटल तो ये तीन लोग वेस्टर्न फिलोसफी के लिए एक प्रोमिनेंट पिलर का काम करते हैं और यदि आप लोग देख रहे होंगे कि एरिस्टोटल जो थे ही वॉज द टीचर ऑफ अलेग्जेंडर अलेग्जेंडर के जो गुरु थे वो कौन थे एरिस्टोटल एंड वेन योर गुरु और वे योर टीचर वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सन देन नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव योर गोल्स और हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में जानते हैं कि अलेक्जेंडर एक विश्व विजेता थे अब इसमें बहुत बड़ा हाथ उनके गुरु का रहा होगा उनकी टीचिंग्स का रहा होगा तो ध्यान दीजिए या फिर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि, कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो अचीवमेंट्स होती है उसमें उसके शिष्य का क्या रोल होता है देन कमिंग टू द पॉइंट फ्रेंड्स हम लोगों एरिस्टोटल को डिस्कस नहीं कर रहे वी आर डिस्कसिंग थ्योरी ऑफ कोजिशन विच वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल देन कम टू नेक्स्ट स्लाइड

तो उसके पीछे क्या होता है कुछ कॉजेस होते हैं इन्हीं कॉजेस को जब एरिस्टोटल अपने सिद्धांत में या अपने प्रिंसिपल में डिस्कस करते हैं तो इसी सिद्धांत को कहा जाता है थ्योरी ऑफ कॉजेशन या कारणता का सिद्धांत तो आइए हम लोग देखते हैं कि एरिस्टोटल ने अपने कारणता के सिद्धांत को कैसे एक्सप्रेस किया है तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देर इज फोर कॉजेस बिहाइंड एवरीथिंग दैट मींस थिंग प्रेजेंटेड इन दर्ल्ड और यूनिवर्स बिहाइंड एवरी थिंग और एनी थिंग इन द वर्ल्ड देयर आर सम होने के पीछे क्या होते हैं कुछ कारण होते हैं और उन्ही कारणों की व्याख्या करते हैं एरिस्टोटल तो आइए हम लोग देखते हैं कि एरिस्टोटल किन किन कारणों की चर्चा अपनी थ्योरी ऑफ कोजिशन में करते हैं फॉर एरिस्टोटल द फर्स्ट कॉज इज फॉर्मल कॉज डेट मीन्स फिजिकल अपीरियंस ऑफ अ थिंग किसी वस्तु के जो फिजिकल अपीरियंसेस होते हैं दैट मीन्स वॉट इज द शेप ऑफ अ थिंग वॉट इज द कलर ऑफ अ थिंग दैट इज फिजिकल अपीरियंस स हाउ द पर्टिकुलर थिंग लुक्स लाइक वह वस्तु वह थिंग वह घटना दिखती कैसे है उसका फिजिकल अपीरियंस कैसा है उसका शेप कैसा है उसका कलर कैसा है इसी कॉज को अरिस्टोटल ने अपने थ्योरी ऑफ कॉजेशन में कहा है फॉर्मल कॉज देन कमिंग टू द नेक्स्ट कॉज द नेक्स्ट कॉज इज मटीरियल कॉज इन दिस कॉज एरिस्टोटल डिस्कस अबाउट द थिंग्स थिंग्स विच द थिंग इज मेडअप ऑफ दैट मीन्स वॉट अ थिंग इज मेड ऑफ जिस पर्टिकुलर थिंग के संबंध में हम लोग नॉलेज गेन करने का प्रयास कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर थिंग के संबंध में हम लोग कॉजेज जानने की कोशिश कर रहे हैं है। वो पर्टिकुलर थिंग किन मटीरियल से बनी हुई है दैट इज द सेकेंड कॉज ऑफ एरिस्टोटल फॉर एग्जाम्पल द पेन पेन में किन किन मटेरियल्स का यूज हुआ है तो इन पेन में जो मटेरियल्स यूज हुए हैं दैट इज प्लास्टिक देन इंक सिमिलरली दैट मीन्स यदि हम लोग इसको डिसाइड करें या इसको डिस्कस करें तो ये क्या हो जाता है मटेरियल कॉस्ट यह पर्टिकुलर पेन किन मटेरियल से बना हुआ है देन कमिंग टू दी थर्ड कॉज दैट इज इफिशियंट कॉज स वट ब्रॉट अ थिंग इन टू एग्जिस्टेंस इस पर्टिकुलर थिंग का या किसी भी पर्टिकुलर थिंग के होने का उसके एग्जिस्टेंस का कारण क्या है तो यहाँ पर इस पेन के होने का कारण क्या है जिसने इस पेन को बनाया है द क्रिएटर तो यहां पर हम लोग किसी भी वस्तु के संबंध में देखते हैं कि उसका क्रिएटर कौन है उसको बनाया किसने है then coming to the next cause or the most important cause of aristotle's theory of causation the final cause and what is it it is the goal or purpose of a thing what's the reason what's the cause behind the particular thing's existence उस वस्तु के होने का कारण क्या है उस वस्तु के होने का पर्पज क्या है गोल क्या है किस एम को पूरा करने के लिए उस वस्तु को बनाया गया है दैट इज फॉर्मल कॉज अंतिम कारण अब इस सिद्धांत को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे एंड कमिंग टू द एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर स्टेच्यू वी आर गोइंग टू सी एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन तो आइए हम लोग वन बाय वन सारे कॉजेस को डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं द फॉर्मल कॉज इन दैट पर्टिकुलर और इन पर्टिकुलर थिंग इज द स्टेच्यू और द स्टेच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इस वस्तु का फिजिकल अपीरियंस क्या है किस प्रकार से यह वस्तु या यह थिंग पर्टिकुलर थिंग दिख रहा है तो इसका फिजिकल अपीरियंस इसको देख के हम लोग बता देंगे कि इट्स अ स्टेच्यू एंड अ स्टेच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल अब ये जो इसका कॉज है यही कॉज क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस इज द फॉर्मल कॉज एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज इज मटीरियल कॉज दैट मीन्स वॉट ब्रिंग अ थिंग इन टू एक्सिस्टेंस वटीरियल्स आर यूज इन दिस थिंग और इन दिस पर्टिकुलर थिंग तो यह जो वस्तु है या यह जो स्टैच्यू है यह किन मटेरियल से बना हुआ है तो यह कॉन्क्रीट ब्रॉन्ज एंड अदर मटेरियल से बना हुआ है तो यहां पर यह सारे के सारे जो मटेरियल्स यूज हुए हैं ये सारे के सारे मटेरियल्स क्या हो जाएंगे दो आर मटेरियल कॉज देन कमिंग टू दर्ड इंपॉर्टेंट कॉज दैट इज इफिशियंट कॉज वॉट ब्रोट अ थिंग इन टू एक्सिस्टेंस ये जो वस्तु है ये जो स्टैच्यू है इसके होने के पीछे का जो कारण है वह क्या है हु द क्रिएटर ऑफ पर्टिकुलर और दैट दर्टिकुलर स्टैच्यू क्या है स्कल्प्टर वह वह व्यक्ति या पर्टिकुलर क्रिएटर जिसने इस स्टैच्यू को बनाया है देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉजेशन इज फाइनल कॉज एंड अकॉर्डिंगली

आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को थ्योरी ऑफ कॉजेशन पूरी तरह से समझ में आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ऑफ स्वास्थ्य क्या अकेडमी थैंक यू फ्रेंड्स